मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज वर्णों के प्रकार, यानी वर्णों के भेद। वर्ण के दो भेद है, स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। आज हम सबसे पहले स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के अकेले ही किया जा सकता है तथा जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात स्वर वर्ण जो है वो बिना किसी की सहायता के ही अकेले ही रहती है, अर्थात इसकी कुल संख्या 11 है। स्वर के तीन भेद हैं, हरस स्वर, दीर्घ स्वर तथा पलुत स्वर। हरस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, और पलुत मतलब जो इससे दीर्घ से दुगुना समय बोलने में लगता है, उसे हम पलुत स्वर कहते हैं। हरस स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है इसे हम हरस स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, री, ये सभी हरस स्वर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में हरस स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, सॉरी आ, ई, उ, ए, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट इज पलुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हरस्व से दुगुना समय लगता है उन्हें पलुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, हे राम। आजकल हिंदी में पलुत स्वर का प्रचलन समाप्त ही हो गया है, इसका प्रयोग आजकल हम बहुत ही कम करते हैं, इसलिए इसका प्रचलन समाप्त हो गया है। स्वरों की मात्रा, जब स्वरों का व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं, स्वर मात्रा उदाहरण अ, जिसकी मात्रा कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, बस। आ, ई, ई, उ, री, ए, ए, ओ, यहाँ पे सबकी मात्राएं दी गई है, इन्हें आप अच्छे से एक बार पढ़ेंगे और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ध्यान देने योग्य बात, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, अरहित व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं, जैसे क, च, ट आदि। अयोगवा, हिंदी भाषा में प्रयुक्त निम्नलिखित वर्ण अयोगवा कहलाते हैं, अनुस्वार, चंद्रबिंदु तथा विसर्ग। वर्णमाला में यह स्वरों के बाद लिखे जाते हैं, पर यह ना स्वर है ना व्यंजन, इसी कारण इन्हें अयोगवा कहा जाता है। अनुस्वार, इस ध्वनि का उच्चारण म या न के समान होता है, इसका लिपि चिन्ह बिंदु है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार होता है, इसका मतलब है जैसे कि अभी हम आप लोगों को बताए थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी इसका जो पांचवा है, अंतिम जो है, इसका प्रयोग जहां भी होगा तो यह उस बिंदु के जैसा ही होगा, जैसे गंगा, चंचल, ठंडा, धंधा, पंप। आजकल वर्ग के पांचवे वर्ण के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे गंगा, यहाँ पे देखिए गंगा कैसे लिखा हुआ है, और इसी का ये जो पांचवा वर्ण है यहाँ पे क्या हो गया है, गंगा। चंचल, यहाँ पे न देखिए चंचल लिखने का, और यहाँ पे जो लिखा गया है। नेक्स्ट अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु, जिस स्वर के उच्चारण में हवा मुख और नाक से निकलती है वह ध्वनि अनुनासिक होती है, इसमें स्वर के ऊपर चंद्रबिंदु का चिन्ह होता है, जैसे चांदी, फांसी, माँ, आँख। इसमें हम लोग देखेंगे पढ़ के, इस जब हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं तो हमारे मुख और नाक से जो हवा निकलती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। नेक्स्ट विसर्ग, इसका उच्चारण हल्के ह के समान होता है, इसका लिपि चिन्ह दो है, जैसे अतः, प्रातः आदि। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है
तथा उच्चारण के समय वायु घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है वे व्यंजन कहलाते हैं, जैसे वर्णमाला में क से ह तक के वर्ण। वर्णों के भेद, जैसे कि इस चित्र में हम देख रहे हैं, वर्ण के तीन भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय जीवा मुख से किसी न किसी भाग को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 25 स्पर्श व्यंजन है। जीवा जीवा यानी जीभ, जीभ को बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जांपल में। क से म तक के जितने भी वर्ण हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट, अंतस्थ, ये वर्ण स्वर तथा व्यंजन के बीच में स्थित माने जाते हैं। इनकी संख्या 4 है, य र ल व। नेक्स्ट, ऊष्म व्यंजन, श श श ह, इन वर्णों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी उत्पन्न होती, अतः इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये भी 4 है, श श श ह। ऊष्म यानी नाम से ही पता चल रहा है, गर्म।